छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया खाती में एक नया मामला सामने निकल कर आया, जिसमें पाया गया कि एक अतिक्रमणकारी विनोद विश्वकर्मा का सरकारी जमीन में 10 से 15 सालों से कब्जा था। विनोद विश्वकर्मा ने उस सरकारी जमीन को पिपरिया खाती के सरपंच पति डालचंद पाल को 2.5 लाख रुपए में सरकारी जमीन बेच दी। पिपरिया खाती ग्राम पंचायत के सरपंच पति द्वारा उस जमीन को खरीदे जाने पर सरपंच द्वारा सरकारी जमीन में कब्जा करने के उद्देश्य से फेंसिंग का काम चालू कर दिया गया, जिसका पूरे गाँव ने विरोध किया। इस विरोध में गांव के 150 से 200 लोग इकट्ठा हो गए। वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो गई जब लोगों ने सरपंच का विरोध करते हुए कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ये गांव की उपयोग जमीन है और ये सरकारी जमीन है, इसे आप खरीद नहीं सकते और सरकारी जमीन को बेचा नहीं जा सकता और ना ही खरीदा जा सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत पिपरिया खाती के सरपंच से हमने कुछ प्रश्न किए, बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें अपनी बाइट देने से मना कर दिया। सरपंच ने कहा कि मैं काम अभी रोक देती हूं तथा ये फेंसिंग हटा देती हूं। फेंसिंग की जा रही थी उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा, लेकिन तब तक पूरे गांव के लोग जिन जिन ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं भी इस जमीन से अपना कब्जा नहीं छोड़ूंगा। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने सरकारी जमीन को बेचने वाले विनोद विश्वकर्मा से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? विनोद विश्वकर्मा। विनोद विश्वकर्मा, कहाँ से आप? पिपरिया खाती से। पिपरिया खाती से। तो ये जो आपकी जमीन निजी है? नहीं है, निजी नहीं है। निजी नहीं है, सरकारी जगह है? सरकारी जगह। तो सरकारी जगह में आपने कब्जा किए हैं? हाँ। तो फिर इसको बेचे कैसे? सरकारी जमीन है तो बेच नहीं सकते। 25 साल से जोत रहे अपन, उसके बाद अपन ने बेच दिया। सब बेच रहे तो अपन के बेचने में क्या हो रहा? मतलब सरकारी जगह 25 साल आपने, आपका कहना है कि वो आपकी हो गई अब। हाँ। है ना, तो इसलिए आपने उसको बेच दिए। लेकिन नियम ये नहीं कहता कि सरकारी जमीन बेची जाती है? नियम नहीं कह रहा, सब लोग बेच रहे तो अपन के बेचने में क्या हो रहा? किन्ने बेचा और बिक्री में क्या है? किसको बेचे? क्या जी? जमीन? जमीन अपन ने कमलेश पाल को दी। कमलेश पाल को दिए? कितने में दिए? 2.5 लाख में। 2.5 लाख में। उसका कुछ लिखा पड़ी हुई? नहीं, अभी कुछ लिखा पड़ी नहीं। लिखा पड़ी नहीं हुई। कंफर्म है कि आपने भेज दिए और वो चली गई? हाँ। चलो ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? चंचलेश भलावी। कहाँ से हो तुम? ये ट्रैक्टर किसका? ट्रैक्टर किसका? सरपंच साहब का। क्या नाम उनका? डालचंद पाल। तो ये रेत और सीमेंट लाया इसमें क्या? कहाँ से लाए, किस उद्देश्य से लाए रेत और सीमेंट? फेंसिंग हो रही है ऊपर एक हाथी में। जमीन किसकी जी? जोर से बोलो ना। विनोद। मैम, ये जो कल पिपरिया खाती वाला एक मामला सामने आया था जिसमें सरकारी जमीन पर खरीदी बिक्री का जो काम किया जा रहा था, इस विषय में आपके द्वारा वहां पर क्या कार्रवाई की गई है? मौके पे हल्का पटवारी को भिजवा दिए थे, आरआई हल्का पटवारी गए हैं और प्रकरण की जांच चल रही है जी। जो भी जांच होगी आपको बता दिया जाएगा जी। मैम धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।